हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी कुछ स्टेटस जारी हो चुका है नॉर्दर्न रेलवे एनआर जोन के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि यूट्यूबर के लिए जोन में बहुत कुछ एनालिसिस के लिए बचा नहीं है, लेकिन अगर कोई हाइड करता है तो आप समझ जाइए कि सब कुछ सही नहीं है। कुछ न कुछ उसका उद्देश्य रहा होगा जिसके कारण से डाटा पब्लिश पब्लिक में नहीं किया जा रहा है। आप लोगों का सवाल यही था कि कितनी बार स्टेटमेंट देगा रेलवे। पिछली बार बोला था कि अप्रैल में 30 GB लेंगे, उससे पहले हमने याद है सितंबर 2023 में ये बोला गया था कि अभी तो हम UR या जो ऊपर की सीटें बची है उसी को दे रहे हैं, बाकी 800 से 900 सीटें हम बाकी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके प्लस में रखे हैं, जिनकी जल्दी हम सूचना देंगे। तो सितंबर 23 से आज आ चुका है, आपका अप्रैल ख़त्म होने वाला है, कुछ दिन और गुजर जाएगा तो एक साल हो भी जाएगा, और एक साल कैंडिडेट का पीड़ा चाहे किसी कम्युनिटी का हो, किसी भी स्टेज का हो, उनके लिए तो बहुत कठिन होता है। OBC EWS का क्या होगा और कितने का क्या है, तो देखिए यहाँ पे करीब करीब तकरीबन कहिएगा ना 800 प्लस सीटें तो कब से खाली है, और ऐसे अगर जोड़िएगा तो 1300 प्लस सीटें खाली है, प्लस कुछ लोग छोड़ के गए होंगे वो भी हैं। यानी अगर RRC के हिसाब से चले तो 800, अगर डिटेल में अगर देखें कि कितनी वैकेंसी ली गई थी, जितनी प्रोसेस हुई है उसके हिसाब से 1300, और उसके अलावा जो अब्सेंट होंगे, मेडिकल का स्टेटस का इशू होगा, कुछ लोग ज्वाइनिंग करके नॉन ज्वाइनिंग वाला छोड़ दिए होंगे उनका इशू होगा, तो अभी 1500 के आसपास सीटें हैं। लेकिन अभी गलती कहाँ हो रही है ये आपको RRC ही बता पाएगा, लेकिन संभवतः एक कारण जो है इन्होंने ऊपर से जो सिलेक्शन लिया था UR के कम्युनिटी के कैंडिडेटों का, UR कम्युनिटी नहीं, UR का एक सेक्शन का जिसमें अनरिजर्व सेक्शन होता है उसमें जनरल लोगों को लिया था जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया है, उसका एक इशू तो कहीं ना कहीं RRC को अपने में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा होगा, अनुमान है। बाकी अब देखिए, हमने डाटा सब जगह देखा, बहुत से RRC ने सबको मेरिट कम करके उनकी पोस्ट के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से अगले DB में सभी को कभी कभी किया है, एक मुंबई में भी नहीं हुआ कैंडिडेट को, अलग अलग EWS का वहाँ इशू हुआ है, तो ये एक इशू रहा है। तो यहाँ पे अगर जाने तो अब सारी चीज़ें पे एक एक छोटा छोटा ओवरव्यू हम बात करेंगे आपसे साथ। तो नॉर्दर्न रेलवे का सारा डाटा हाइड रहता है यहाँ पे, फर्स्ट प्रोविजनल और DB का और सेकंड DB का कैंडिडेट का पैनल आ चुका है, यहाँ से आप लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास न रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कैंडिडेट हूँ, ना हम सर्च करके आपको यहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये आज जारी होने का मतलब ये है कि दो चीज़ों को जोड़िए। एक चीज़ आपको जोड़ना है कि आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है, जितने लोगों को पैनल में देने से दिक्कत हो रही थी वो पैनल दे दिया है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि 30 DB की प्रोसेस भी बन सकती है यहाँ से, और 30 DB तो अप्रैल में नहीं होगा, ये तो क्लियर है, आपको मई या जून में ही होगा, तो रेलवे अपनी स्टेटमेंट दिया था उससे पीछे हो जाएगा। हालांकि 10-20 दिन आपको केयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट में जॉब में ऐसा होता है 10-20 दिन का यूनिट का टाइम नहीं पता चलता कि कब देगा। लेकिन अब इशू ये है कि जो बचे हुए 1500 सीटों है उस पर तो सबका ले लेगा। तो देखिए, UR के तो बहुत कम कैंडिडेट बच गए थे वो DB आने के बाद, हालांकि कैंडिडेट अभी भी है लेकिन कम है, लेकिन बाकी कम्युनिटी के कैंडिडेट ज़्यादा है, तो ज़्यादा कैंडिडेट बाकी कम्युनिटी से ही लेंगे, यानी अनरिजर्व वाला वैकेंसी छोड़ के रिजर्व वाले में आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।